आदरणीय अध्यक्ष महोदय और निर्णायक मंडल, मैं रवि नयन दिव्यांग सदन की ओर से आज के विषय अंग्रेजी को अपना कर भारत का विकास संभव है इस पक्ष पे अपने कुछ विचार संकल्प में वर्णन करना चाहता हूँ। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में से एक है। हमारे देश के उच्च शिक्षण वैज्ञानिक चिकित्सक एवं अभियंता अन्य कई देशों के उच्च पदों पर विराजमान होकर हमारे देश का झंडा तो ऊंचा कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारे देश को आर्थिक स्थिति से भी शक्तिशाली बना रहे हैं। उदाहरण के रूप में सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ, और अगर साहित्य क्षेत्र में भी देखा जाए तो अधिकांश किताबें अंग्रेजी में भी उपलब्ध मिलेंगे। हमारे देश का संविधान कई देशों के संविधानों का एक संकलित रूप है। हमारे देश के संविधान द्वारा उच्च कोटि के विद्वान थे और उन्हें अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान था, जिससे उन्हें कई देशों के संविधान का अध्ययन करने में मदद मिली। शिकागो में 1100 से 1800 एक विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें विवेकानंद जी ने अंग्रेजी में अपने विचारों को अपने भाषण में प्रकट किया था। हिंदी, संस्कृत एवं बंगाली के अच्छे जानकार होने के बावजूद अगर वह अपने भाषण को अंग्रेजी में ना प्रस्तुत किया होता और अगर उन्होंने पूरी सभा को अपने भाषण से अंग्रेजी में ना संबोधित किया होता तो शायद वह पूरे विश्व के समक्ष अपनी बातों को प्रकट ना कर पाते और शायद वह पूरे विश्व को अपनी बातों को भी ना समझा पाते। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अगर गीतांजलि से बंगाली में लिखी होती तो शायद आज वो विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में ना स्थापित हो पाते और उन्हें शायद विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार नोबेल पुरस्कार ही प्राप्त हुआ होगा। भूमंडलीकरण के इस युग में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं सिमट रही है और इस युग में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाने और बढ़ाने के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता है जो अंग्रेजी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पूरी सभा को अंग्रेजी में ही संबोधित किया करते हैं और आज पूरी दुनिया उनका गौरव मानती है। अंग्रेजी हमारे समाज में एक विशिष्ट स्थान स्थापित कर चुकी है, लेकिन हम उपेक्षा नहीं कर सकते। अंग्रेजी हमारे लिए इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यह हमारे शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग बन चुका है। अगर कोई विद्यार्थी विज्ञान, चिकित्सा या अन्य किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे अंग्रेजी पर अपना अधिकार प्राप्त करना ही पड़ेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उत्तीर्ण होने के लिए अंग्रेजी पर अधिकार जमाना अत्यंत आवश्यक है। बहुत से लोग कहते हैं कि अपनी मातृभाषा को प्रयोग करने से, मातृभाषा के अलावा किसी और देश की भाषा को प्रयोग करने से राष्ट्रवाद पे असर होता है, लेकिन मेरा यह मानना है कि हम चाहे अंग्रेजों के कपड़े पहने या उनकी भाषा में